फारूक साहब, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में चहम गोइयाँ चल रही हैं, आज हमारे साथी हैं यहाँ उस्मान खान, उन्होंने भी ये ख़बर फाइल की है। उनका ख्याल ये है, और बहुत सारे और जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन को, उनका ख्याल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक एक अरब रुपया इस काम के लिए मुख्तस कर लिया, एक एक अरब रुपया, और उसी की बुनियाद के ऊपर ये दो तीन लोग ऐसे आएंगे जिनका पीटीआई से बराह रास्त ताल्लुक नहीं, लेकिन वो सैनिटर बन जाएंगे, तो आप उसका रास्ता कैसे रोकेंगे? रास्ता तो यकीनन रोकने के लिए ही इस हवाले से ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा ये इशू बनना ही नहीं चाहिए था। नदीम मलिक साहब, मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा सेन माइंड होगा जो इसकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है वो डिफर करेगा, जिसके ऊपर तमाम जमातें माजी के ऊपर बशमूल इलेक्शन कमीशन 2009 के अंदर इलेक्शन कमीशन की असलाहती कमेटी ये रेकमेंड कर चुकी है उस वक्त की वज़ीर आज़म को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, कि आप इसके अंदर इस्लाहात लेकर आएँ, इस सिस्टम को ओपन एंड ट्रांसपेरेंट और इसको ट्रेसेबल बैलेट बनाने के लिए COD को देख ले। आर्टिकल जो 22वीं तरमीम के मौका पे 2015 में नवाज शरीफ साहब की बयानात को आप देख लें, हाल ही में 2019 में एहसन इकबाल के जब सैनेट की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई, उन बयानात को आप देख लें। तो आज जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो आज किस निज़ाम को लाना चाहते हैं? वो इतने खौफजदा क्यों हो गए इस एक सिस्टम के ज़रिए जो ट्रांसपेरेंसी की राह हमवार करेगा, जो इस मुल्क के अंदर खरीदो फरोख्त का निज़ाम चल रहा है, जो ज़मीरों की सौदागरी होती है, जो छांगा मांगा की मंडियां लगती हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के हवाले से है। यही आइन पाकिस्तान का, आइन का आर्टिकल 218(3) इलेक्शन कमीशन को कहता है कि उन्होंने इकदाम लेने हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं वो फेयरली हो, ट्रांसपेरेंटली हो। क्या पीटीआई के पीटीआई इस वक्त दबाव में है इसके बावजूद के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर आपकी जमात को वाजे अक्सरियत है? क्या इसके बावजूद आपके ऊपर ये दबाव है कि वहाँ से कोई एक या दो नशिस्तें सेनेट की आपके हाथ से छिन जाए? क्या ये दबाव मौजूद है कि यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाए और हफीज शेख इलेक्शन हार जाए? क्या आपके ऊपर ये दबाव है इस वक्त? मलिक साहब, ये बहुत पैटी चीज़ें हैं, जिस ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है वो बहुत पैटी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम फंस जाते हैं जाके, कि एक सीट कम आ जाएगी, दो सीटें कम आ जाएगी या दो ज़्यादा आ जाएंगी। आज बात तो ये होनी चाहिए जो जिसका मैंडेट है उसके मैंडेट का जो है वो एहतराम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दुनिया का कौन सा कानून, कौन सी मोरालिटी आपको इजाज़त देती है कि आप गड्डियाँ रख लें नोटों की, अरबों रुपये की, और आप उससे ख़रीदो फरोख्त करें, उसकी कीमत कल को आवाम को अदा करनी पड़ती है करप्शन की शक्ल में, मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में, हुंडी की शक्ल में। ये तो एक बड़ी पैटी डिबेट है कि किसकी सीट कम हो गई, किसकी ज़्यादा हो गई। मसला तो ट्रांसपेरेंसी का है, मसला है इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने का, मसला ये है कि कितनी बुरी बात है कि आपके अवामी नुमाइंदे चंद पीटीआई के खातिर बिक जाते हैं। ये अखलाकियात है, खाता है तो लगाता है, ये अखलाकियात है। ये जो हमारे उस्मान खान ने जो रिपोर्ट फाइल की है वो कहती है कि सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और बाप पार्टी के दरमियान मामला तय पा गया। तहरीक इंसाफ का सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत का फैसला, पीटीआई और बाप के कायदीन के दरमियान मुलाकात में इतफाक। तो उनके दो अरकान हैं, आपके पास वाज़ेह अक्सरियत है, आप उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? देखें, बात यह है कि हमने अपने कैंडिडेट्स भी नॉमिनेट कर दिए हैं, हमने अपनी टिकट्स भी अनाउंस कर दी हैं, और जो हमारा मैंडेट है, जो आपका पर्टिकुलर सवाल है उसका पर्टिकुलर मैं जवाब देने लगा हूँ आपको, उसके मुताबिक इंशाल्लाह जो है वो हमें सीट्स मिलेंगी। हमने वहाँ पर आपके ही शो में मैंने देखा कि आपने फलकनाथ चतराली को बुलाया, बड़ा अच्छा किया आपने, चतराल से एक पसमानदा इलाका से खातून पहली जो है वो सेनेट की इंशाल्लाह रुकन बनेगी। ताज अफरीदी और अब्दुल कादिर आपके वोटों से जीत के आ गए, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे 20 साल पुराने कारकुन ज़हूर आगा जो हैं वो कैंडिडेट हैं। फिर मैं आपको वही बात पे लेकर जाऊँगा, फिर आप मेरे से जवाब ना लें, आप कहें कि यार एक कोशिश हो रही थी सिस्टम को ठीक करने की, जिसके ऊपर तमाम जमातें बात करती थी, लेकिन उनको करप्ट निज़ाम सूट करता है। आज जो इसकी मुखालफत कर रहा है वो उस करप्ट सिस्टम का हामी है, वो सियासत में पैसा चलाने का हामी है। जो इसकी हमायत करेगा वो ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा, पीडीएम की तहरीक।